नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका जीव विज्ञान शिक्षक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजी एक्स्ट्रा। हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन की। और क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन में आज हमने लिया है क्लास 11th बायोलॉजी का यूनिट सेकेंड चैप्टर 6 पुष्पी पादपों का शरीर या एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। इससे पहले कि मैं इस क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन पर बात करूं, आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि जरूरी नहीं कि इस क्वेश्चन बैंक से प्रश्न आए, अतः आपको अन्य प्रश्नों पर भी अपना ध्यान केंद्रित करके रखना चाहिए, क्योंकि इस वर्ष 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चन क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन से नहीं आए हैं। अतः जरूरी नहीं कि आप लोगों के लिए भी यहाँ से प्रश्न आए। अतः आप लोगों से निवेदन है कि अन्य दूसरे क्वेश्चंस को भी आप देखिए, हालांकि इन क्वेश्चन को देखना एक बार जरूरी है। चलिए हम अध्ययन करते हैं इनका। पहला प्रश्न है पार्श्व कैम्बियम के उदाहरण है सही विकल्प। पहला प्रश्न किसमें आता है, सही विकल्प चुन के लिखिएगा। पार्श्व कैम्बियम के उदाहरण है, पार्श्व कैम्बियम में इसके ऑप्शन दिए पुली कैम्बियम, अंतरा पुली कैम्बियम, कार्प कैम्बियम, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। दूसरा दिया है पौधों से जड़ों से जल तथा खनिज लवणों का परिवहन किस ऊतक के द्वारा होता है। तो अपने को हमने शुरू से ही पढ़ते हुए आए हैं, जाइलम के द्वारा जल एवं खनिज लवण का अवशोषण किया जाता है। जाइलम के भाग हैं, जाइलम के मुख्य रूप से चार भाग होते हैं। वाहिनिकाएं जिसको हम ट्रैकेट्स बोलते हैं, वाहिका जिसको हम वेसल्स कहते हैं, इसके अलावा जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर भी शामिल है। तो यहां पर ये पूरे के पूरे जो भाग हैं वो किसके हैं, जाइलम के हैं। फ्लोएम के भाग, फ्लोएम के भी चार भाग होते हैं जिनमें सीव एलिमेंट्स, जाइलम फ्लोएम पेरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर और साथ में होता है कैंपेनियन सेल। यहां पर एक चीज आपको बता दें कि जो जाइलम और फ्लोएम दोनों के बीच में अक्सर अंतर पूछता है। तो यहां पर हमारा प्रश्न क्या है, फ्लोएम के भाग है तो फ्लोएम के भाग में इसका आंसर आता है सभी। तो आप लोगों से यह है कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो अंतर है उसे जरूर याद रखें। इसके बाद देखते हैं रंध्र की संरचना में कौन से भाग दिखाई देते। तो एक जो रंध्र होता है, रंध्र की संरचना देखिए, तो यहां पर अगर आप देखें तो रंध्र की संरचना कुछ इस प्रकार से होती है और इसके चारों ओर ये इस तरह से आप बना सकते हैं ये संरचना। यहां पर स्ट्रोमा, ये हो गया स्ट्रोमा, इसके बाहर की ओर रक्षक कोशिका है और ये सबसे बाहर की ओर सहायक कोशिका है, ठीक है। और यहां पर ध्यान रखिएगा बीच बीच में जो है क्या पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट भी पाए जाते हैं। ये जो गार्ड सेल्स होती, गार्ड सेल्स के चारों गार्ड सेल्स के बीच बीच में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट भी पाए जाते हैं। तो इसका ऑप्शंस क्या है, रंध्र की संरचना में कौन से भाग दिखाए, रक्षक कोशिका, सहायक कोशिका, क्लोरोप्लास्ट या सभी। तो इसका सही जवाब क्या हो गया, सभी। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में मुख्य रूप से ये चार प्रश्न दिए हुए। ऐसा सवन मंडल जिसमें जाइलम और फ्लोएम के मध्य में कैम्बियम उपस्थित होता है, खुला सवन मंडल या ओपन वेस्कुलर बंडल कहलाता है। तो यहां पर आंसर क्या जाएगा, ओपन। कैस्पीरियन पट्टी खालिस्तान में पाई जाती है, भाई परिरंभ कोशिकाओं में, परिरंभ कोशिकाओं में ये पाई जाती है। रक्षक कोशिकाएं खालिस्तान में पाई जाती है, स्टोमेटा में पाई जाती है, ठीक है। अभी आपने देखा यहां पर कि ये रंध्र है, रंध्र की संरचना है, रंध्र की संरचना में ही रक्षक कोशिका पाई जाती है, स्टोमेटा में पाई जाती है, ठीक है। एक बीजपत्री मूल में खालिस्तान प्रकार के संवहन मंडल पाए जाते हैं। तो यहां पर क्लोज या बंद प्रकार के संवहन मंडल इसमें पाए जाते हैं। तो यहां पर हमारे ये रिक्त स्थानों की पूर्ति करे वाले प्रश्न हो गए। अब हम देखते हैं सही जोड़ी। अगर आप सही जोड़ी देखें तो बहुत ही सिंपल तरीके से दिया हुआ है, एक एक तरफ अ और ब है, आ से आपको इनको मैच करना है, बाकी सही विकल्पों को मैच करना है। तो सबसे फर्स्ट विभज्योतक ऊतक, भाई विभज्योतक ऊतक क्या कहलाते हैं, ऐसे ऊतक जिसमें जिनकी कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता पाई जाती है। तो इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा, विभाजनशील कोशिकाएं।
दूसरा है मूलगोप। मूलगोप कहाँ पाया जाता है? रूट का जो टिप रीजन होता है वो वहां पे मूलगोप पाया जाता है, जो जड़ की रक्षा करने का कार्य करता है। ठीक है, इसके बाद बुलिफॉर्म कोशिकाएं। बुलिफॉर्म कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? एक बीज पत्री पत्तियों में पाई जाती। होती क्या है? क्या होता है कि जो एक बीज पत्री पत्तियां होता है उसका जो सबसे बाहरी स्तर होता है, ठीक है, सबसे बाहरी स्तर होता है, कभी कभी किन्हीं कारणों से यहाँ पर ये गुब्बारों के आकार की फूली हुई दिखाई देती है। तो ये जो फूली हुई संरचना होती है, यही फूली हुई संरचना क्या कहलाती? बुलिफॉर्म कोशिकाएं कहलाती। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि एक बीज पत्री पत्तियों के बाह्य त्वचा के निश्चित अंतराल पर कुछ कोशिकाएं गुब्बारे के आकार की फूली होती है, जिनको बुलिफॉर्म कोशिकाएं कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा? एक बीज पत्री पत्ती रंध्र पत्ती में पाए जाते हैं और पत्ती की निचली सतह पर पाए जाते हैं। फ्लोएम क्या काम करता है? भोजन के परिवहन का कार्य करता है। चलिए अब देखते हैं, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। अब एक वाक्य में उत्तर दीजिए में पहला प्रश्न क्या है? एक बीज पत्री मूल में संवहन मंडल की संख्या होती है 6 या 6 से अधिक। यहां पर ध्यान रखिएगा, कितने? 6 या 6 से अधिक। अब यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा, अगर द्विबीजपत्री पूछ लेता है तो 2 से 6 तक होते हैं। ठीक है, अंतःकाष्ठ में उपस्थित पदार्थों के नाम लिखिए। अंतःकाष्ठ में उपस्थित पदार्थ में बहुत सारी चीजें पाई जाती है, जैसे कि यहां पर तेल पाया जाता है, रेजिन पाया जाता है, फिनॉल पाया जाता है, और फिनॉल के अलावा टैनिन भी पाया जाता है, और भी बहुत सारी चीजें पाई जाती है, लेकिन ये मुख्य रूप से मैंने 4 पदार्थों के नाम लिखा है, तेल, रेजिन, फिनॉल और टैनिन। इसके बाद जाइलम पेरेन्काइमा की भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? ये बनी होती है सेलुलोज की बनी होती है। प्राय स्टोमेटा पत्तियों की किस सतह पर पाए जाते हैं? तो ये निचली सतह पर पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, कौन सी सतह पर पाए जाते हैं? निचली। हालांकि ऊपरी सतह पर भी पाए जाते हैं, लेकिन मोस्टली निचली सतह पर पाए जाते हैं। इसके बाद आ जाते हैं अति लघु उत्तरी प्रश्न। तो मैं इन प्रश्नों के जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा, और साथ ही एक मॉडल क्वेश्चन पेपर भी मैं इसके लिंक में दे दूंगा, तो आप उसे भी जरूर अटेम्प्ट करें। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार।